आप सभी को डीएससी स्टेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे बहुल आवेशों के बीच बल। बहुल आवेशों के बीच बल, बहुल आवेशों के बीच बल, बहुल आवेशों के बीच बल। दोस्तों बहुल आवेशों का मतलब क्या है? बहुत से आवेश होंगे निकाय में, हमारे सिस्टम में जो है बहुत से आवेश होंगे। ओके दोस्तों, अब दोस्तों कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम का नियम जो है दो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, दो बिंदु आवेशों के बीच का काम करता है। तो यहाँ पर दोस्तों कूलाम का नियम नहीं लगेगा, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या करता है लिखेंगे, अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार यदि किसी निकाय में बहुत से आवेश हैं तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उन आवेशों के परिणामी बल के सदिश योग के बराबर होता है। ओके दोस्तों, ठीक है। तो जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई निकाय है जिसमें यन बिंदु आवेश हैं, कितने बिंदु आवेश हैं? यन बिंदु आवेश हैं, जिन पर आवेश क्रमशः Q1 कामा Q2 कामा Q3 .. Qn है जिनके स्थिर सदिश क्रमशः R1 कामा R2 कामा R3 .. ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों मान लिया एक निकाय है, इसमें ये निकाय है हमारा, इसमें कितने आवेश है? मान लीजिए यहाँ पर आवेश क्या है? Q1 है, यहाँ पर आवेश Q2 है, यहाँ पर आवेश Qn है, यहाँ पर आवेश Q3 है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे आवेश हैं। ओके, अब दोस्तों इसका स्थिर सदिश क्या है? Rn, वेक्टर Rn। इसका क्या है? R2, इसका R1, इसका R3। ओके दोस्तों, अब दोस्तों इसके द्वारा भी सब इन सभी आवेशों के द्वारा इस पर बल लगेगा, Q1 आवेश पर इन परिणामी आवेशों के द्वारा इस पर बल लगेगा। तो हम दोस्तों सबसे पहले लिखते हैं आवेश Q1 पर, क्या लिखते हैं दोस्तों? थोड़ा इधर लिखते हैं, आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण वैद्युत बल। ओके दोस्तों, क्या होगा? दोस्तों हमें क्या लेना है? सदिश योग के बराबर होता है, सदिश वेक्टर लेना है। वेक्टर F बराबर 1/4π कूलाम के नियम के अनुसार क्या है सदिश के लिए? वेक्टर F बराबर 1/4π ε0 Q1 Q2 R² फिर इंटू, यहां पर क्या होता है दोस्तों? R² एकांक सदिश। ओके दोस्तों, तो हमने क्या किया? आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण वैद्युत बल, तो क्या होगा? आवेश Q2 के कारण, तो क्या ले लेते हैं? 1 2, ठीक है, 1 2, आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर लगा बल क्या हो जाएगा? 1/4π ε0 Q2 अपान में क्या हो जाएगा? R
वन टू क्या आ जाएगा, वन टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर टू वन है। ओके दोस्तों, इसके बाद इसी प्रकार आवेश क्यू वन पर आवेश क्यू थ्री के कारण बल क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ वन थ्री बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू थ्री अपान में क्या हो जाएगा दोस्तों, आर वन थ्री स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे दोस्तों, थोड़ा बड़ा लिखा थ्री वन कै। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार आवेश क्यू वन पर आवेश क्यू वन पर आवेश क्यू एन के कारण वैद्युत बल क्या होगा दोस्तों, एफ वन एन बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू एन अपान में आर वन एन स्क्वायर इंटू आर एन वन कै। ओके दोस्तों, अब क्या होगा, परिणामी वैद्युत बल परिणामी परिणामी वैद्युत बल क्या हो जाएगा दोस्तों, वेक्टर एफ बराबर वेक्टर एफ वन प्लस वेक्टर एफ टू वेक्टर एफ वन टू वेक्टर वन एफ वन थ्री प्लस डॉट 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 वेक्टर एफ प्लस वन एन। ओके दोस्तों, वेक्टर एफ वन एन वेक्टर एफ वन थ्री वेक्टर एफ वन टू, अगर वेक्टर एफ वन फोर होता तो यहाँ वन फोर रखते, इसमें सब है। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों आगे क्या होगा हमारा, सब पहले उसमें क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ओके दोस्तों, इसमें हो जाएगा तो वेक्टर एफ बराबर हमारा वेक्टर एफ बराबर हो जाएगा एफ वन टू का मान जानते हैं हमने कितना आया था, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपान में आर वन टू स्क्वायर इंटू आर टू वन कै प्लस वेक्टर एफ वन थ्री का मान कितना आया था, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू थ्री अपान में आर वन थ्री स्क्वायर इंटू आर थ्री वन कै। अब दोस्तों आगे हमारा क्या था, प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ एन का मान कितना आया था दोस्तों, वेक्टर एफ एन का मान यहाँ पर है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू एन अपॉन में आर वन एन स्क्वायर इंटू आर एन कै। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एन क्यू वन क्यू वन, सब क्या है कॉमन। ओके दोस्तों, जब हम कॉमन ले लेंगे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, एफ बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, क्यू वन आर टू अपान में आर वन टू स्क्वायर वेक्टर कैप टू वन प्लस क्यू वन क्यू थ्री अपान में वन थ्री स्क्वायर इंटू क्या हमारा है आर थ्री वन कैप प्लस डॉट 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 प्लस ये वाला बचेगा क्यू वन क्यू एन अपान में आर वन एन स्क्वायर आर एन वन कैप। ओके दोस्तों, अब हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा सिग्मा क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू वन टू एन आई इक्वल टू
वन टू एन क्यू वन या क्यू वन टू चलते हैं क्यू वन आई अपान में आर वन आई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आर आई वन कैट ए हमारा हो जाएगा दोस्तों। ओके ये हमारा हो गया डेरिवेशन बहुल आवेशों के बीच वाले यही काम करता है। इसका मतलब क्या है समेशन का मतलब यही है दोस्तों जैसे कि हम आई का मान जो पहले रखेंगे दो यहाँ पहले आई के स्थान पे दो रखेंगे दो फिर प्लस लगा देंगे फिर इसके बाद क्या रखेंगे तीन रखेंगे फिर अगली बार प्लस लगा देंगे आई के स्थान पे सिर्फ क्या रख देंगे चार कहां तक जाएंगे यन तक। ओके दोस्तों इसका यही तात्पर्य होता है। और दोस्तों क्यों हमने आई इक्वल टू वन टू एन ले लिया इसलिए दोस्तों क्योंकि यहां पर क्या था टू टू के बाद क्या आया थ्री बाद क्या आएगा फोर डाटा टेस्ट कहां तक जाएगा यन तक तो वन से नहीं चालू हुआ है इसमें क्यू वन सब में है तो क्यू वन सब में रहेगा इसलिए Q1 में कोई दिक्कत नहीं की हमें क्या चला आई इक्वल टू टू एन आई इक्वल टू टू इंटू एन तक। ओके दोस्तों अब ये हमारा क्या हुआ बहुल आवेश के बीच बल। ओके दोस्तों तो हमने क्या किया था यह दो दोस्तों कूलॉम का जो नियम है सिर्फ दो बिंदु आवेशों के बीच काम करता है इसलिए यहां से बहुत से आवेशों के बीच हमें क्या देखना था बहुत आवेशों के बीच बल बहुत से आवेशों के बीच बल। तो दोस्तों हमने क्या कौन सा नियम लगाया अध्यारोपण सिद्धांत लगाया। अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है यदि किसी निकाय माने होता है कोई सिस्टम। ओके दोस्तों यदि कोई निकाय है उसमें बहुत से आवेश हैं तो किसी एक निकाय पर परिणामी वैद्युत बल उन आवेशों के सदिश योग के बराबर होता है कौन परिणामी बल किसी एक आवेश पर। ओके दोस्तों चलिए दोस्तों ओके दोस्तों यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में हमारे जरूर लिखिएगा ठीक है ओके।